राजद प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर बांका जिला राजद ने बुधवार को देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राजद कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर के नेतृत्व में शहर के गांधी चौक पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व देश के कृषि मंत्री का पुतला दहन किया। राजद कार्यकर्ताओं ने पीएम सीएम कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राजद की विरोध प्रदर्शन में राजद युवा राजद, राजद अल्पसंख्यक सेल एवं राजद विधिज्ञ सेल के कार्यकर्ता साथ में थे। इस मौके पर जिला राजद अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाया गया कृषि नीति देश के किसानों के हित में नहीं है। जिला युवा राजद अध्यक्ष विशाल यादव ने कहा कि राजद कार्यकर्ता किसान के हितों को दरकिनार कर नई कृषि बिल को काला कानून बताकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने से बाज नहीं आएंगे। इस मौके पर राजद के वरीय नेता उमेश यादव, जिला राजद विधिक सेल के अध्यक्ष सिकंदर यादव, जमरुद्दीन, जिला राजद महासचिव मिठन यादव, महेश्वरी यादव, अशोक यादव, परवेज अहमद, गोविंद यादव, पप्पू यादव सहित कई नेता उपस्थित थे। प्रदेश पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस पर लाठियां और डंडे बरसाए गए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है किसानों पर अत्याचार बंद हो, उस पर लाठियां बरसाना बंद करें और जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कानून बना के लाए, वो कानून में प्रावधान डाले, किसानों को जो फसल है उसका हर हाल में हर कीमत पे उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मंडी में मिलना चाहिए। जाते हैं और कानून किसानों का सत्ता में बैठे लोग बनाते हैं, तो जब तक किसानों का भागीदारी नहीं होगा, किसान को बुला करके उनको भागीदारी दे करके उसका मूल्य निर्धारण नहीं करेगा, तब तक किसानों का हक जो है हकमारी करते रहेगा। आज हमारे साथियों ने जो कहा वो ठीक है, मैं उन बातों का समर्थन करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज बिहार की जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार, ये कठपुतली सरकार है। कठपुतली सरकार को जैसे जैसे भाजपा के लोग नचाते हैं, वैसे वैसे ये नाच रहे हैं। बांका जिला में बहुत जल्द आधुनिक स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण प्रारंभ होगा, जिसमें 6 करोड़ की लागत आएगी। यह क्लब 160x140 फीट एरिया में बनाया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत एवं पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से दिया। उन्होंने बताया कि जिले के लिए यह गौरव की बात है, साथ ही गोदाम का भी निर्माण की प्रक्रिया टेंडर की स्थिति में है। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। जो प्रतिष्ठान सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर लिए हैं, उनके खिलाफ नगर प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण करने वाले से जुर्माना भी वसूला जाएगा, जो अधिकतम 20,000 रुपये तक हो सकता है। गुरुवार से नगर परिषद क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में मास्क पहनने का अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। मौके पर जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उपस्थित थे। अति आधुनिक खेल भवन बन पता जनता है, 6 करोड़ की लागत से अति आधुनिक खेल भवन बन बन रहा है, काम शुरू हो गया है। उसमें नीचे जिम्नाशियम रहेगा, 160x140 फीट में है, काफ़ी बड़ा है काम। उसमें मतलब जमीन में शुरू हो गया है और जल्दी उसमें काम शुरू हो जाएगा। अभी मिट्टी मिट्टी कटाई माकिंग माकिंग हो गया है, उसका रास्ता भी अलग हो गया है, उसका रास्ता को माकिंग करवा दिया गया है। तो उससे बांका शहर में अच्छा, उसके ऊपर फिर आपका एडोरियम में होता है, टेबल टेनिस का है, रेसलिंग का, टाइकोंडो का है, हॉल है, मल्टीपर्पज कॉन्सर्ट में जिम है, तो वो रहेगा, उसका काम शुरू हो गया है। हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे गोडाउन भी एक जमीन चिन्हित हो गया, बात हो गया, टेंडर की प्रक्रिया में है। 5,000 मीट्रिक टन का गोदाम जिला स्तरीय खाद देगा, वो भी हम लोग आज नहीं देख पाए, वो भी देखना था, जमीन चिन्हित हो गया है। कोरोना लॉकडाउन और चुनावी व्यस्तता से फुर्सत पाते ही डीएम सुहर्ष भगत लय में आ गए हैं। उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड अंचल कार्यालयों की उपस्थिति ली। इसमें निर्धारित समय तक 3 दर्जन से अधिक प्रखंड स्तरीय अधिकारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित मिले। डीएम ने गंभीर मामला बताते हुए सभी अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा। जारी स्पष्टीकरण में डीएम ने कहा कि ससमय कार्यालय नहीं आना या बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहना सरकारी नियमों के प्रतिकूल है और ये आपकी स्वेच्छा
पत्रकारिता का भी परिचायक है। निश्चित रूप से आपकी अनुपस्थिति से यह कार्यालय कार्य संपादन में भी आवश्यक विलंब होता है। बताएं कि किस परिस्थिति में आप कार्यालय से अनुपस्थित थे। डीएम की सख्ती के बाद प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में हड़कंप मच गया। प्रखंड स्तर के फंसे कई अधिकारी भी परेशानी में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच में बीडीओ, सीओ, चिकित्सा पदाधिकारी, सहकारिता, शिक्षा, श्रम, पशुपालन, आवास पर्यवेक्षक तक अनुपस्थित मिले। इसके अलावा कई कार्यालय लिपिक भी इस जाँच में फंसते दिख रहे हैं। बांका जिला के कटोरिया थाना क्षेत्र के दौना मोड़ के निकट एक बेकाबू बस ने पिकअप में धक्का मार दिया। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बांका की ओर से पवन बस तेज रफ्तार से आ रही थी। इसी दौरान कटोरिया की ओर से एक पिकअप आ रही थी। दौना मोड़ के समीप बस चालक ने तेज रफ्तार से पिकअप में धक्का मार दिया, जिससे पिकअप चालक जितेंद्र कुमार का बायां पैर टूट गया। बस के केबिन में यात्रा कर रहे मुंगेर जिले के महराना गाँव की बिमला देवी और उसकी बेटी वंदना कुमारी बस के नीचे गिर गई। इस घटना में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में जख्मी को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर दिलीप कुमार ने तीनों का प्राथमिक उपचार कर मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद बस चालक भागने में सफल हो गया। जख्मी पिकअप चालक ने बताया कि एक दिन पूर्व देवघर सब्जी लेकर आया था, जिसे देवघर में अनलोड करने के बाद वापस समस्तीपुर जा रहा था। जख्मी का बयान बांका थाना के अधिकारियों ने लिया है। इधर थानाध्यक्ष सुबोध राय ने बताया कि जाँच की जा रही है। बांका जिला के धुरैया प्रखंड स्थित चांदनी चौक के समीप सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना धुरैया अस्पताल में दी, जहां से एम्बुलेंस के द्वारा जख्मियों को अस्पताल लाया गया। जख्मियों की पहचान पुनसिया बाजार निवासी दिनेश गुप्ता के पुत्र 22 वर्षीय रवि गुप्ता के रूप में हुई है। अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर दीपक कुमार ने जख्मी मोटरसाइकिल चालक का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। इस दौरान जख्मी रवि गुप्ता ने बताया कि हम अपना उधार पैसा वसूल करने धुरैया आए थे। धुरैया से वापस अपने घर पुनसिया लौट रहे थे। चांदनी चौक के समीप पंजवारा की तरफ से तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने जोर से धक्का मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय एवं सहायक वन निरीक्षक राकेश कुमार, गोरखनाथ पासवान जख्मियों को देखने अस्पताल पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। ट्रैक्टर चालक रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर प्रमुख पति रंजन कुमार शर्मा उर्फ रंजू घायलों की स्थिति देखने अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद जख्मियों के परिजनों को जानकारी दी गई। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के सुप्रसिद्ध बाबा ज्येष्ठ गोरखनाथ महादेव मंदिर परिसर स्थित गुमटी में कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी। आगलगी की घटना में गुमटी के समीप रखी चौकी एवं अन्य सामान जलकर राख हो गया। मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार जमुआ गांव निवासी मुकेश सिंह ने बताया कि रोजाना की तरह संध्या मंदिर में आरती करने गया, तभी कठेर गांव निवासी लाखो सिंह एवं बांका थाना क्षेत्र के गोलाहू गांव निवासी सिकंदर यादव नशे में धुत होकर बाइक मेरी दुकान के आगे लगा दिया एवं मेरी गुमटी में आग लगा दिया। शोर सुनकर मैं मंदिर के बाहर आया तो उक्त लोग पिस्टल निकालकर गाली गलौज करते हुए फरार हो गए। इस आगलगी की घटना में 10,000 रुपये के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है।